यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुश रहो दाता, सदा सुखी रहो। काम अच्छा करते हैं, दूसरों का भला करना चाहते हैं, हमेशा अपनी तरफ से अच्छा सोचते हैं, लेकिन सामने वाला आपके एफर्ट्स को नजरअंदाज करके उल्टा आपसे नाराज हो जाता है, आपको बुरा भला कहता है और इसके साथ साथ आपसे रिश्ता तक तोड़ देता है। आपका कोई भी करीबी आपसे दूरी बना रहा है या बिना वजह आपसे बिछड़ता चला जा रहा है, तो ऐसे में आप खुद को कोसते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे ग्रह भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं? कौन से ग्रह अपने बुरे प्रभाव के कारण आपको आपके करीबियों से दूर कर रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे और इसके साथ साथ आपके राशि के पूरे दिन का हाल भी हम जानेंगे। लेकिन गुरुदेव, सबसे पहले हम जानेंगे माता पिता या भाई बहन, इनसे हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, हम उनके लिए अच्छा करना चाह रहे हैं पर गलती से बुरा हो रहा है, वो हमसे नाराज हो रहे हैं, हमसे दूर हो रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है? बेटा, इसे बोलते हैं केतु का पितृदोष। और केतु का पितृदोष तब पैदा होता है जब इंसान के पूर्वजों ने कुत्ते मरवाए हों, सांप मरवाए हों, इस तरह के हालात किए, और इसके अंदर दोष क्या बनता है? पिताओं को पुत्रों का सुख नहीं, भाइयों को भाइयों का सुख नहीं, ये योग बनता है। अब इसमें होता क्या है, इंसान जोशीला होता है, ज्ञानवान होता है, लेकिन ज्ञान का प्रदर्शन वो धैर्य में ना होकर के उतावलेपन में करता है। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा, ऐसा इंसान हर किसी के सुख दुख में खड़े होने वाला होता है, लेकिन गलत को गलत, सही को सही कहने वाला होता है, जिसके कारण कि उसको कड़वा बोला जाता है। अब ऐसा इंसान अगर 100 बार किसी की मदद कर चुका है तो वो 100 बार में नहीं काउंट होता, लेकिन जब वो किसी को एक बार कड़वा होकर के समझाता है तो लोग उसे कहते हैं ये अपने आप को ज़्यादा समझता है, ये अपने आप को ही समझदार मानता है, ये सेल्फिश इंसान है, बस अपने ही सुख दुख का ख्याल रखता है। लेकिन शुरुआत से आप देखिए, उसने हर जगह मदद करी है, हर जगह आपका साथ दिया है, दिलो जान से दिया है और हर काम को भाग दौड़ के किया है। अब वो ऐसा ही है, इसीलिए ऐसे लोगों के जो जीवन साथी हैं वो उसके अलावा सगे माँ बाप और भाई बहन भी ऐसे इंसान को गलत बोल देते हैं और उसके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उसके इस स्वभाव के कारण उससे दूरी ही अपनाना चाहते हैं, तो उसका कड़वापन होता है उसके अंदर। ठीक है, अब ये जो योग है ये अच्छेपन पे तो इस तरह के होता है, चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी एक दूसरे के साथ मिलेंगे, लेकिन ये जब बिगड़ जाता है तो ये बिगड़ के कमर के हिस्से में, पाँव के हिस्से में, घुटनों के हिस्से में, बैकबोन में ये तकलीफ देता है, ये इसका बुरा है। और ऐसे लोगों के पास से धीरे धीरे करके समाज, सामाजिकता अपने आप दूर होती चली जाती है, अपने तो छोटे छोटे, समाज भी उनको बहुत अच्छा नहीं समझता, जिसके कारण इनके जीवन की तरक्की भी अधूरी रह जाती है। इन लोगों को करना क्या चाहिए? इन लोगों का सबसे बड़ा उपाय तो एक है कि हमने समझाना नहीं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा समझाते हैं, अपने ज्ञान का प्रदर्शन इतना ज़्यादा करते हैं, अगर किसी ने कोई गलत बात कर दी और इनको पता, उसको क्रैक करने के चक्कर में ये लंबा लंबा भाषण दे जाते हैं। इनको अपने आप को साबित नहीं करना होता, इनको दूसरों को समझदार नहीं बनाना होता, बस इसके ऊपर सबसे पहले कंट्रोल करना, यही इनका सबसे बड़ा पहला इलाज है। ज्ञान को और अच्छा और धैर्य को और अच्छा बनाने के लिए सोना अपने कान के अंदर, सोना अपने गले के अंदर, सोना अपने हाथ के अंदर धारण करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत जल्दी अपना धैर्य खो करके स्वयं ही अपने रिश्तों को ना त्याग दें। इसके लिए वफादारी का गुण बना करके रखना और आपस में दिमागी तकरार होने के बावजूद भी वफादारी एक दूसरे के साथ निभाएं, इसके लिए कुत्ता पाल के कुत्ते की वफादारी वाली ऊर्जा अपने अंदर भरनी, तो ये इनके उपाय।
बहुत खूब, ऐसी यूनिक जानकारी आपको कहीं और नहीं सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिल सकती है। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि में प्यार मोहब्बत में जो लोग हैं उनके लिए दिन शुभ तो है, लेकिन बढ़ चढ़ करके अगर बातें करी, बढ़ चढ़ कर अपने आप को दिखाने की कोशिश करी तो टेंशन वाला माहौल पैदा हो जाएगा। अगर धैर्य से अगर जीवन व्यतीत किया अगर धैर्य से दिन व्यतीत किया तो हर तरह से उत्तम हालात होने वाले हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई नई प्लानिंग बनानी हो, नए बिजनेस के लिए सोचना हो, कोई नई चीज़ की शुरुआत करनी हो या सरकारी कोई कामकाज निपटाना हो, उन सब के लिए दिन बेहद उत्तम है। आज के दिन थोड़े से केले लेकर गरीबों में बांट के तब दिन की शुरुआत है। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कोई बड़े बड़े काम आज करने हैं तो उसके लिए दिन उत्तम है, लेकिन उन बड़े बड़े कामों के लिए आज खर्चा नहीं करना, वो कल परसों के लिए रख लीजिए। खर्चा नहीं करना, उनकी प्लानिंग करना, उन कामों को कैसे करना है, किसके साथ मिलकर के करना है, इन सब के लिए उत्तम है। किसी भी तरह के जीवन व्यापन के लिए कोई कार्य करने हो, नौकरी पे अप्लाई करना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट पूरे करने हो, सहजता से गहराई से कोई प्लान बनाना हो, हर तरह से उत्तम दिन है। लेकिन आज के दिन आपको भी केलों का दान करना बहुत ज़रूरी है, वरना तकलीफ बन सकती है, टेंशन बन सकती है और ऐसी अवस्था में फिर काम या प्लान खराब भी हो सकता है। मिथुन राशि वालों को आज जुकाम, डस्ट एलर्जी वगैरह ये होने के चांसेस है, पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज के योग बन सकते हैं। और ख़ास तौर पे सुबह सवेरे अगर बहुत ही हैवी कोई नाश्ता जो मसालेदार चटपटा हो तो तब तकलीफें बन सकती हैं। तो आज के दिन मीठा और थोड़ा हल्का ब्रेकफास्ट करें, मीठा दूध पी लीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। तो इस तरह से दिन की शुरुआत करें। लेकिन बचना क्या है? बचना है किसी को भी कड़वा बोलने से। झूठ बोल करके कार्यों की सिद्धि की तरफ गए तो नुकसान होगा, और अगर सच बोल करके पूरा पराक्रम दिखाया तो कार्य सिद्धि आपकी पक्की। तो कहने का मतलब, दिखावे के लिए, झूठ के लिए जो कुछ भी करेंगे, कड़वा बोल के जो भी कुछ करेंगे वो सब खराब। और आज सच्ची मेहनत के साथ, सच का साथ देते हुए जो भी आज आप कार्य करेंगे वो सब कुछ ही उत्तम होने वाला है। सुबह सवेरे थोड़ा सा गुड़ मंदिर में अर्पित करें और शुभ दिन। गुरुदेव, परिवार की हमने बात की, अब हम दोस्ती की बात करेंगे। एक समय में बहुत गहरी दोस्ती, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि अब बिल्कुल एक दूसरे को कोई देखता ही नहीं है, जानते ही नहीं है कौन कहाँ है, ऐसा क्यों? इसका कारण होता है बेटा जेलस बात। दो दोस्त हुए और दोस्ती स्वाभाविक हो जाती है, हालात वशी हो जाते हैं। एक दोस्त के कुंडली के अंदर मान लीजिए अच्छा योग है, वो दोस्ती निभाना जानता है, पीछा करना भी जानता है, पीछा करके आपको फिर अपनाने के लिए तैयार है। लेकिन जब केतु देव के ये दोष के कारण मंगल खराब होता है तो इंसान के अंदर एक जेलस भावना होती है कि फलाने ने ऐसा किया वो मेरे को नहीं करने देता, फलाने ने ऐसा किया वो तो अपने नंबर बनाता है, ये फलाने ने ऐसा किया ये तो आगे बढ़ गया, ये तरक्की कर गया, अब मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं नहीं कर पाया, मैं उसके साथ बैठूंगा तो लोग मुझे छोटा समझेंगे। बेटा, ये जो सारी बातें होती हैं ये केतु मंगल की जेलस भावना के कारण ये हालात बनते हैं, समझे? और रियलिटी में जो आदमी इस तरह के जेलस फैक्टर में होता भी है, उस आदमी को कमर पांव पेशाब से संबंधित या पुत्र के सुखों से संबंधित उसको दिक्कत आनी होती है, उसकी आँखें कमज़ोर होती हैं, पेट के हिस्से में गैस, एसिडिटी, कब्ज के हालात बनने होते हैं, ये सारी प्रॉब्लम में वही बनती है। और बहुत देर तक वो गृह सुख, यौन सुख को नहीं भोग पाता, उसके अंदर उसको तकलीफें आती हैं। भाइयों के साथ बैठ करके पार्टनरशिप के अंदर काम करना हो तो बहुत ही तकलीफ भी रहता है, वो जब भी मिलता है वो दिखावे वाली ज़िंदगी के अंदर जीता है, ये प्रॉब्लम होती है। और ये लोग सिर्फ जहाँ तक काम हो वहीं तक रहते हैं, यारों दोस्तों के, अब दोस्तों दोस्त के घर बेकार पर चला जाया करते हैं, और काम के वक्त में तो भाग के आया करते हैं। ये गुण ऐसे लोगों में समाप्त हो जाता है, यही वो लोग होते हैं जो बढ़ती उम्र के साथ में बिल्कुल अलग हो जाते हैं, खासतौर पर शादी के बाद में तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें सोच के दोस्तों को त्याग देते हैं जो कि कभी होनी नहीं होती, ठीक है? तो ये लोग मंगल केतु के मेल के कारण इस तरह के हालात बनते हैं।
और ये लोग बुढ़ापे में करते करते अकेले रह जाते हैं, सिर्फ प्रोफेशनल दोस्त इनके साथ में होते हैं, असली दोस्त नहीं होते। तो इन लोगों को अपने जीवन काल में हर रोज 3 किले का दान देना चाहिए, 1 साल तक दे दें। हर महीने एक काला सफ़ेद कंबल लेकर के मंदिर के अंदर देना चाहिए, ठीक है। और हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते कौओं को पक्षियों को ये डालते रहना चाहिए, और ऐसे में धीरे धीरे करके इनका मंगल केतु अच्छा होगा। और तब बेटा आज जिनको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है उनके साथ मेल मिलाप बढ़ाना, आज जिनकी ज़रूरत आपको नहीं है उनके साथ मेल मिलाप बढ़ाना, ये कल को आपके रिश्ते को पक्का करके ज़रूरत के वक्त में हर किसी को खड़ा कर देगा। अगर आज आपने सोचा कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो ज़रूरत के वक्त में वही बंदा जो आपका काम कर सकता है वो काम नहीं आता है। इसी से ज़िंदगी के अंदर अभाव पैदा होते हैं, इसी से ज़िंदगी के अंदर तरक्की रुकती है, इसी से यारों दोस्तों के आइडिया और सपोर्ट नहीं मिल पाते और इसी के कारण आदमी पीछे रहता है। और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कर्क सिंह और कन्या राशि वालों से। कर्क राशि वाले आज जितना पैसा बचाने की कोशिश करेंगे उतनी तकलीफ होगी। आज अगर घर वालों को कोई जरूरत है, भाई बहन को जरूरत है, अपने खास किसी रिश्तेदार को जरूरत है, उसके काम आना आपके दिन को सफल बना सकता है। और जितना आप उनके काम आएंगे आज परमात्मा उतनी ही आपकी मदद करके आपको आगे बढ़ाएगा। तो इसीलिए आज मन से कंजूस नहीं होना, इस बात का खास ख्याल रखना है। दिन की शुरुआत दूध में शहद मिलाकर के मंदिर में देने से करें, दिन और उत्तम होगा। सिंह राशि वालों को आज जल्दबाजी से बिल्कुल बचना चाहिए, और कुछ भी जल्दबाजी या गुस्से के अंदर करने से चोट लगने का खतरा अलग से है, पेट के अंदर तकलीफ आने का योग है। और अगर कहीं गाड़ी बहुत फास्ट ड्राइव करी और वो भी दिखावे के लिए तो एक्सीडेंट का योग बनता है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों से परहेज करना है। अगर सोने की चेन है तो वो गले में धारण करें, नहीं तो पीला रंग यानी कि पीला रुमाल ही जेब में रखें। और सुबह सवेरे मीठा कुछ भी, कोई भी मिठाई, अगर लड्डू मिले तो सबसे उत्तम, ये मंदिर चढ़ाकर बांट के तब दिन की शुरुआत करें, तब दिन कुछ शुभ हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए हर तरह से दिन शुभ है। आज के दिन खास तौर पे 1-2 यार दोस्तों के साथ मिलकर के कुछ करना उत्तम है, भाइयों के साथ मिलकर के कुछ करना उत्तम है। लेकिन यार दोस्तों में और भाइयों में कमी निकाल के कुछ किया तो दिन खराब है। तो यानी कि भाई और यार दोस्त आज के दिन का आधार है, तो इसीलिए इनके साथ में मीठे रह करके कार्यों को शुरुआत करें, और सुबह सवेरे अगर थोड़े से पतासे मंदिर में अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करते हैं तो दिन अति उत्तम। गुरुदेव, ऑफिस की बात करेंगे, बहुत एफर्ट्स करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, एक टाइम है कि बॉस ने आपको बहुत अप्रिशिएट भी किया, बट सडनली ऐसा हो जाए कि आपके एफर्ट्स को बॉस देखना ही बंद कर दे, आपके प्रमोशन की जगह वो डिमोशन की बात करने लग जाए, ऐसे में क्या किया जा सकता है? ऐसे में बेटा जब तक वो अप्रिशिएट हो रहा है तब तक उसकी ग्रह दशा उसके साथ थी, ठीक है, और योग इस तरह के बन रहे होंगे कि वो तरक्की करेगा। लेकिन जैसे ही अचानक ये बनी बनाई व्यवस्था के बीच में व्यवधान आ जाता है और एकदम से ये किला टूट जाता है और सपने बिखरते नज़र आते हैं और अपने ही खास लोग अपने दुश्मन बन जाते हैं और ये सपोर्ट नहीं देते, इसी को बोलते हैं पापी ग्रहों का खराब हो जाना और अचानक तकलीफ आ जाना। ऐसी अवस्था के अंदर मंगल को दुरुस्त करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए मंगल देव को उसकी सही जगह पर पहुँचाना ये बहुत ज़रूरी होता है। और उसके लिए क्या करना चाहिए, अब सरकारी संस्थान होते हैं, सरकारी पार्क होते हैं, उनके अंदर नीम के पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि अवसर वाला ग्रह उनको सपोर्ट करने लगे, उनके कर्म स्थान वाला ग्रह उनको सपोर्ट करने लगे। इसके साथ दूसरे घर को जागृत करना यानी चावल और मिश्री का मंदिर में देना, ये लिक्विडिटी के लिए होता है, पारिवारिक सुख की और मानसिक शांति के लिए होता है, तो बेटा इसको भी जागृत करें। कभी कभार थोड़ी चने की दाल को लेकर के जल प्रवाह करना, इससे हर तरफ से माहौल से हमें सपोर्ट मिल करके पैसा जमे होने वाले हालात सदा ही बने रहते हैं, तो इसलिए चने की दाल का समय समय पर जल प्रवाह करना बहुत उत्तम होता है। और भाग्य चोट ना मारे इसके लिए
नाभी जुबान माथे पर केसर का तिलक लगाना अपने भाग्य को सदा बढ़ा के रहता है। ये जो संस्कार बनाए गए हैं खासतौर पर तिलक वाले, तिलक का जो स्थान है बेटा ये भाग्य स्थान है, और इसीलिए हमारे यहाँ पर ज़्यादातर सनातन के अंदर जितनी भी कोई भी बिरादरियाँ रही हों वो तिलक ज़रूर लगाया करती थी कि भाग्य ना बिगड़े। ठीक है, तो आपका भाग्य ना बिगड़े इसीलिए आपको सही तिलक का चयन करना चाहिए, नहीं तो केसर का तिलक तो हर कोई लगा सकता है। तो ये लगाएंगे तो भाग्य कभी नहीं बिगड़ेगा और बॉस भी कभी नहीं नाराज़ होंगे। अपने भाग्य को संवारना है तो एस्ट्रो साइंस देखें और एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला वृश्चिक और धनु राशि। तुला राशि, लोगों की भलाई, लोगों के लिए अच्छा सोचना, किसी के लिए भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करना, हर तरह से आपके लिए शुभ होने वाला है। लेकिन अगर माँ या माँ तुल्य किसी भी स्त्री के साथ में आपने सुबह सवेरे ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया तो दिन खराब होने वाला है, इसमें कोई दोराय नहीं है। आज के दिन अगर आप बुरी संगति से बचें तो आपके लिए उत्तम होगा, और अगर सिर्फ अपने कार्यों के ऊपर फोकस करके उनको किया और अच्छेपन से हंसते खेलते किया तो हर तरह से दिन उत्तम होने वाला है। हो सके तो आज सुबह थोड़े से केले लेकर गरीबों में दान करके तब दिन की शुरुआत करें, आपके लिए उत्तम हालात। वृश्चिक राशि, आज प्रेम की भावनाएं मन में होंगी, चाहे परमात्मा के लिए प्रेम हो, माता पिता के लिए हो, अपने बच्चों के लिए हो, जीवन साथी के लिए हो या होने वाले जीवन साथी के लिए हो, सबके लिए प्रेम की भावना ही आज आपका दिन शुभ करने वाली है। लेकिन इन सब के बीच में आपको खास ख्याल क्या रखना है कि नगद पैसे का लेन देन का अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आज कोई एसेट खरीदना है, प्रॉपर्टी बनानी है, कोई मशीनरी खरीदनी है या कोई ऐसी चीज़ जो बाद में आपके पास रहे और उससे आपने कमाना हो उसको खरीदने से बचना है। लेकिन अगर पैसे का लेन देन करना हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो हर तरह से दिन शुभ है, बस नहा धो करके केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाएं, भोलेनाथ को प्रणाम करें, दिन शुभ और भी होगा। धनुराशि, धनुराशि के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको आज स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत है, और धनु राशि के वो लोग जिनके घर में बुजुर्ग है खास तौर पे माँ नानी दादी, उनको तकलीफ पाई है। इसके अलावा किसी भी तरह से दुनियादारी के अंदर निकल के कोई कार्य करना हो, अपने परिवार के लिए कोई कार्य करना हो, कोई मांगलिक कार्य करना हो, किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत करनी हो, हर तरह से उत्तम दिन है। कोई भी लिखाई पढ़ाई किसी भी तरह के कंपटीशन के अंदर उतरना हो, उन सब के लिए दिन बहुत ही शुभ है। तो सुबह सवेरे हरी सब्जियां थोड़ी सी मंदिर में अर्पित करें तब दिन की शुरुआत। गुरुदेव, पति पत्नी का रिश्ता या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता, इनमें दूरियां बढ़ रही हैं तो क्या किया जा सकता है? ये जो तुमने बात कही है, पति पत्नी का जो रिश्ता है वो जन्म कुंडली के सातवें और बारहवें घर से देखा जाता है। इनके अंदर दूरियां बढ़ने का कारण एक ही होता है कि यहाँ पर शुक्र के दुश्मन ग्रह जब बारहवें में और सातवें में आते हैं तो काम खराब करते हैं। ठीक है, तो अब इसके दुश्मनों में अगर हम काउंट करें तो शुक्र का दुश्मन राहु है, शुक्र का दुश्मन चंद्रमा है, शुक्र का दुश्मन सूर्य है। ठीक है, और सूर्य और राहु खास तौर पर, तो ऐसी अवस्था के अंदर गुड़ गेहूं का दान गरीबों को करना बेटा ये सबसे उत्तम है। समझे, अगर भावनात्मक दूरियां बने तो ऐसी अवस्था में चावल मिश्री का दान मंदिर में करना सबसे उत्तम है, और फिजिकली दूरियां बने तो गुड़ गेहूं का दान करना जरूरी है। और अगर शक वहम की हालात हों और घर के अंदर पंगा पड़ा ही रहे तो ऐसे में राहु को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है, और राहु दुरुस्त होता है चंद्रमा को स्थापित करने से। तो चावल चांदी गंगा जल अपने घर में स्थापित करें और सात नारियल पूजा वाले लेकर के उनको जल प्रवाह लगभग हर तीन महीने के गैप के ऊपर ये करते रहें, और काले और नीले रंग के वस्त्रों से परहेज करें। और इसके साथ ही जिन दिनों के अंदर जीवन साथी के साथ में फिजिकली या मेंटली दूरियां बढ़ रही है उन दिनों में गुड़ खाना टोटली बंद कर दें, तब ये हालात अच्छे। बिल्कुल, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मकर कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर,
मकर राशि के लोग आज अगर बुरी सोसाइटी या बुरे ख्यालात या लड़ने वाले ख्यालात के साथ दिन की शुरुआत करी तो पूरा दिन और हर कार्य खराब है। लेकिन एक अच्छी पॉजिटिव एडवाइस लेने वाली और एडवाइस देने वाली किसी भी तरह के हालात से शुरुआत करी तो आज का दिन बेइंतहा शुभ होने वाला है। खास तौर पे आज किसी भी प्रकार की बड़ी डील के ऊपर कंसंट्रेट करके फोकस करके कोई भी निष्कर्ष निकालना हो तो आज का दिन अति उत्तम हो सकता है। तो बस आज नेगेटिव सोच और बुरी संगति से बचाव करके जो कार्य करेंगे उसके लिए हर तरह से दिन उत्तम होगा। थोड़े से चावल थोड़ी सी मिश्री मंदिर में अर्पित करके दिन की शुरुआत करें, हर तरह से उत्तम दिन होगा। कुंभ राशि के लोग आज किसी भी तरह से सोना बेचना या गिरवी रखना इससे अगर परहेज करेंगे तो हर तरह से ठीक रहेगा। आज के दिन सुबह सवेरे कुत्ते कौओं की गई सेवा आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी। आज के दिन वफादारी का भाव रखते हुए आप जिसके साथ मिलकर के जो भी कुछ करेंगे, चाहे घर गृहस्थी के अंदर चाहे दुनियादारी के अंदर, वो सब कुछ सफल होगा। लेकिन अगर किसी के साथ प्लानिंग बना के किसी को ठगने के लिए या किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए कोई भी सोच रखी तो आज का दिन बहुत बुरा होगा। सिर्फ केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाएं और मंदिर में थोड़े से चावल और मिश्री अर्पित करें, दिन शुभ होगा। मीन राशि वालों के पेट को और मामा को, इन दोनों में से किसी को भी तकलीफ हो सकती है। आज अगर ये जीवन साथी के झगड़े से बचते हैं तो आपके लिए दिन शुभ होगा। आज आपकी नर औलाद यानी कि किसी बेटे को तकलीफ आने का योग वो भी बन सकता है, तो बहुत ही संभल के रहना है। किसी भी तरह से अगर बाहर आप निकलते भी हैं, रोड के ऊपर ज़्यादा देर बिताते भी हैं, तो बहुत संभल के चलना है। कड़वा नहीं बोलना आज के दिन, और थोड़े से केले लेकर के वो गरीबों में बांट के दिन की शुरुआत करें। परमात्मा रक्षा करें। गुरुदेव, कोई अपना ही गलत फहमियाँ बढ़ानी शुरू कर दे, जगह जगह बदनाम करना शुरू कर दे तो क्या किया जा सकता है? ये बेटा ज़्यादातर भोले और अच्छे लोगों के साथ में इस तरह की घटना होती है। जब भी जन्म कुंडली का बुध और चंद्रमा आपस में इस तरह के हालात में बैठा हुआ हो कि ऐसा इंसान सबके भले में भला सोचने वाला हो, सबकी मदद करने वाला हो, दिल और दिमाग को एक करके पूरा दिन काम करने वाला हो, तो ऐसा इंसान एक गलती कर जाता है कि सामने वाले की फिरती हुई आंखों को भाप नहीं पाता और बार बार किसी के भी कहने पे उसके दुख में शरीक होकर के उसको बार बार मदद देता है। तो ये रियलिटी में है तो उसका अच्छापन, लेकिन ये है कमी। जब एक इंसान ही बार बार मदद करता है, एक इंसान बार बार मदद करता है, तो वो कई लोगों की नज़र के अंदर जेलस का कारण बन जाता है। फिर क्या करते हैं, अब वो उसके करीबी होते हैं, अब वो करीबी होते हैं और कामयाब नहीं होते, जो फेलियर है, जो बदनाम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, फिर अपने झूठे बखान करने लगते हैं कि मैं भी ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो उससे पूछते, भाई तेरी मदद क्यों कर रहे हैं? तो फिर वो बताता है, मैंने तो इसके ऊपर ये एहसान कर रखा है, मैंने उसके लिए वो कर रखा है, मैंने उसके लिए वो कर रहा है। अब वो बुरा इंसान अपने ही झूठ के जाल में फंस गया, ठीक है। अब जब इसको पता चलता है कि भाई ये ऐसा कर रहा है, अच्छे वाले इंसान को जब पता चलता है, अब वो उसे किनारा करने लगता है कि मैं ना इससे लड़ाई करूँगा, ना मैं मारपीट करूँगा, ना मैं कोर्ट केस करूँगा, इसको छोड़ देता है। अब जब वो उसे छोड़ रहा होता है तो तब इससे बर्दाश्त नहीं होता, तो ये और भर भर के बुराइयाँ करते हैं। रियलिटी में ये एक बहुत बड़ा अवगुण, ये मंगल और चंद्रमा के खराब होने की वजह से ये बुरे इंसान में होता है जो दूसरों को बदनाम करता है। और मंगल और बुध का मेल किसी न किसी तरह से जन्म कुंडली के अंदर उस वक्त चल रहा होता है जिसकी वजह से ये अच्छा इंसान बदनाम हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ बुरे वाला तो उपाय नहीं करेगा, अगर वो करना चाहे, अगर मेरी बात सुनकर के ये ऐसा इंसान ये उपाय करना चाहे, तो इन लोगों को 43 दिन लगातार दूध में शहद मिला करके जल प्रवाह करना चाहिए। ये सबसे उत्तम इलाज है, ये भविष्य के अंदर बुरा समय नहीं आने देगा। आज आपके अंदर बुराई है, लेकिन भविष्य के अंदर ये बुराई भी मिट जाएगी, अच्छा नसीब भी आएगा अगर ये उपाय कर लिया। लेकिन जो ये इंसान है, जो अच्छे वाला है, जिसको बदनामी मिल रही है बेमतलब की, इस आदमी को बुध को बृहस्पति की शरण में भेजना चाहिए।
जहाँ इसके मित्र शुक्र का भी था, तो दो मीठे पान एक्स्ट्रा गुलकंद लगवा के इनको 27 दिन लगातार मंदिर की सीढ़ियों पर रखनी चाहिए। नहीं तो हर महीने एक तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को टाइट बंद करके इनको मंदिर में देते रहना चाहिए। तब इसकी झूठी बदनामियों का दौर रुकेगा और तब जाके अच्छे हालात उत्पन्न। गुरुदेव, अगर कोई इंसान खुद ही अपने आप को अकेला करना शुरू कर दे, लोगों से कटना शुरू कर दे, अपने आप को एक ऐसे डिप्रेसिंग मोड में ले जाए, तो क्या किया जा सकता है? परिवार क्या करे या अपने क्या करे? इसे लाल किताब में बोलते हैं चंद्रमा का मर्दक, और ये कई प्रकार से होता है। कहते हैं शनि लगन के अंदर हो, सामने कोई भी ग्रह हो, तब चंद्रमा मर जाता है। ये लोग अपने आप को अकेले रखते हैं दूसरों से। चंद्रमा दूसरे घर के अंदर हो, अशुभ हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, ये आदमी अपने आप को एक अलग ही पाता है और बार बार कमरे में जाकर के ध्यान करने का नाम के ऊपर अकेले अपने आप को रखता है और कोशिश करता है कि महफिल में बैठा हो तो जल्दी से महफिल से जान छूटे और ये जाके अपने आप को अकेला करके फिर सोचते हैं। ये लोग ज़्यादातर परमात्मा के नाम पर अकेले हो जाते हैं, और या फिर ज़्यादातर ऐसे लोग घर में फ़ोन के ऊपर गेम खेल के एक कमरे के अंदर बंद रह करके सोच के प्लानिंग बना के अपने आप को अकेला करके बैठा लेते हैं। लेकिन जो वो सोच प्लानिंग बना रहे हैं बेटा, उसके अंदर दूसरों की राय सहायता शुमारी ये बिल्कुल नहीं करते, जिसके कारण कि इनको दिक्कतें होती हैं। ये चंद्रमा की बहुत बड़ी खराबी है। ऐसे ही लोगों को सोना तांबा चांदी ये तीन धातु का छल्ला ज़रूर धारण करना चाहिए। ऐसे लोगों को चावल मिश्री चीनी दूध ये लेकर के वृद्ध आश्रम में देके वृद्धों का आशीर्वाद लेकर के चलना चाहिए। ऐसे लोगों को किसी भी बहाने से ही, अपने घर के बुजुर्ग हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बाहर के बुजुर्ग हैं, नहीं तो मंदिर के पंडित जी हैं, इनके जाकर के झुक कर के पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेते रहना चाहिए इन लोगों को, और काले नीले और जेड रेड कलर से इनको परहेज करना चाहिए और नमः शिवाय का जाप करते हुए भोलेनाथ पे जल चढ़ाना चाहिए, तब इनके हालात अच्छे होते हैं। और लेकिन ये लोग जब इस तरह की अवस्था में जाते हैं, ये जो अपने पारंपरिक जो पूजा पाठ भगवान जिसको हमारे बुजुर्ग भी करते आए, ये इनको त्याग देते हैं। कई बार एक अलग ही प्रकार के गुरु अपना लेते हैं और इस तरह के गुरुओं को अपना लेते हैं, उनको भगवान मान लेते हैं, जो पूजा पाठ से मना करते हैं, मूर्ति पूजा से भी मना करते हैं। तो ऐसे में ये अपने दुखों की गठरी को और बड़ा कर लेते हैं, और ये करते करते इनको ये, क्योंकि ध्यान के कारण इनको आनंद तो आता है, लेकिन सही मायने में सामाजिकता से अपनों से कटने के कारण ये अपने जीवन में खाइयां खोलते हैं। ठीक है, तो इनको अपना पारंपरिक पूजा पाठ बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 999-999-0522। आप भी जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।